हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू संगीताज ब्लॉग। संगीताज ब्लॉग में आपका स्वागत है। मैंने कुछ दिन पहले ही धनतेरस का एक वीडियो डाला था, तो फिर मैंने सोचा कि नहीं, धनतेरस और दिवाली के बीच में भी एक वीडियो में डालना थोड़ा जरूरी हो जाता है कि दिवाली से पहले कुछ तैयारियां होती हैं जो कि आपकी किस्मत खोल सकती है। तो इसलिए मैंने छोटा सा एक वीडियो डाल रही हूँ। अभी तो ऐसा है कि दिवाली का टाइम है, तो घर में भी काफी सामान इधर से उधर रहता है, टाइम नहीं मिलता है वीडियो बनाने का। फिर भी मैंने एक छोटा सा वीडियो बनाने की इसमें कोशिश की है। मैं इसमें ज्यादा कुछ नहीं, सिंपल एक आपको एक तरीका बताऊंगी, मीन्स एक पोटली बोला जाए, एक छोटा सा जिसको आप अपने तिजोरी में रखें, कहीं का भी, आपका ऑफिस का, आपके घर का, ये एक छोटी सी पोटली होगी। हाँ, छोटी सी पोटली बोलिए, छोटे से कपड़े में से बांधे जो पोटली बनाते हैं, वो पोटली होगी जिसको आप अपने गले में रखिए, ऑफिस के, अपने घर के तिजोरी में रखिए, जिससे कि आपको बरकत होगी, धन की कभी आपको कमी नहीं होगी। और सबसे बड़ी बात है इस पोटली की ये कि इसमें जो भी चीज इसकी जो अंदर रहेंगे सब आपका आयुर्वेद से रिलेटेड रहेंगे, मतलब जो भी इसमें है, जो भी इसमें रहेंगे सब में आयुर्वेदिक प्रॉपर्टीज रहेंगी। जिसमें भी होता है देखिए, कीटनाशक बोला जाए तो इसमें कभी कीड़े वगैरह नहीं रखेंगे। हाँ, लेकिन शर्त ये होगी कि इसको अच्छे से आपको कर धूप में सुखाना पड़ेगा। आप इसको किस्मत की पोटली बोलिए या फिर कुबेर की पोटली बोलिए, लक्ष्मी जी की पोटली बोलिए, जो आप इसको बोल सकते हैं आप इसको बोल सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि ये जो पोटली होती है इसमें सब आयुर्वेदिक चीजें होती है, मैंने आपको जैसे पहले बताया। तो उसके लिए आपको इसको जो सामान है वो आपको पूजा के कोई भी स्टोर से मिल जाएंगी, इजीली आपको अवेलेबल हो जाएंगी। ये सब चीज को आप लाल जो कपड़ा होता है उस पर डाल के छोटी सी पोटली बना लीजिए और इसको आप अपने घर की तिजोरी में रख दीजिए, ऑफिस के गले में रखिए। तो ठीक है, शुरुआत करते हैं। तो नंबर वन आपका आता है लक्ष्मी गणेश का सिक्का, चरण, मंजीषा, फिर उसके बाद इसमें आता है आपका सूखी काली हल्दी, पीली हल्दी, उसके बाद इसमें अरवा चावल, कौड़ी, दूब घास, इसको हम लोग हरा घास भी बोलते हैं, फिर उसके बाद गोमती चक्र, रुद्राक्ष, कपास जो छोटे कपास होते हैं, सतावर, लघु नारियल, छोटे छोटे जो आपके नारियल होते हैं, गोमती चक्र, लाल गुंजा, नाग केसर। हाँ, लेकिन नाग केसर में एक चीज ध्यान रखिएगा आप, उसकी जो डंडी होती है पीछे वो टूटी भी नहीं होनी चाहिए, वो एज इट इज फल में लगी हुई होनी चाहिए। हरी मूंग, जौ के बीज, सूखी हुई धनिया, धनिया की पत्ती नहीं, धनिया के जो बीज होते हैं, मैं उसकी बात करी तो धनिया का बीज, सूखा हुआ धनिया का बीज। फिर लास्ट में आता है कौड़ी और कमलगट्टा। कमलगट्टा मैंने आपको अपने जो धनतेरस वाला जो मैंने वीडियो डाला है, मैंने उसमें बता दिया है कि ये जो कमल होते हैं उसके जो दाने होते हैं उसी को सुखा के बनता है। कमलगट्टी की माला भी होती है इसके, आपके इंडिविजुअली से आपको सीड्स भी मिल सकते हैं। तो ठीक है फ्रेंड्स, आप लोगों को मेरा ये शॉर्ट वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज को मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा। मेरे यहाँ थोड़ी सी लाइट की इशू रहती है, पता नहीं भी बाहर वो हवा चल रहा है तो थोड़ा सा फ्लक्चुएट होते रहता है, इसलिए मेरी स्क्रीन में थोड़ा सा फ्लक्चुएशन आते रहता है, तो इसके लिए मैं माफी चाहती हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, और थोड़ी सी मेरे साउंड की भी दिक्कत हो जाती है क्योंकि मेरा ये जो घर है थोड़ा सा बहुत ही बड़ा है, छोटा सा कॉम्पैक्ट नहीं है, तो मेरे बहुत तेज में बोलती फिर भी थोड़ा सुनने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है आप लोगों को, तो इसके लिए भी मैं माफी चाहती हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, ये मेरा आपको छोटा सा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तब तक के लिए नमस्कार।